डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी कैनेडियन सूबे और में आम इंतबात की गहमा गहमी मुख्तलि जमातों के रहनमाय एक बार फिर मुबादे में आमने सामने सियासी रहनमाओं की प्रीमियर डक पॉट की कारकरदगी पर तनकीद कनाडा की के अपोजिशन जमातों का बड़ा फैसला चीन कनाडा ताल्लुक की कमेटी बहाल करने की तहरीक मंजूर हुक्मरान जमात लिबरल्स ने तहरीक की मुखालफत की कनाडा यूक्रेन की गंदम बरामद करने के लिए बहरी जहाज भेजने के लिए तैयार कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि यूक्रेन को अफ्रीका और मशरक वस्ता तक गंदम पहुँचाने में मदद मिलेगी कनेडा फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में दाखिले की तेजी से तोसीक़ करने का इरादा रखता है फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत कबूल नहीं करेंगे तैयब उद्यवान का कहना है कि दोनों ममालिक ने अपने एवान बाला तक दहशत गर्दों को जगह दी हुई है रूसी सदर का कहना है कि नेटो की तोसी से नहीं बल्कि पड़ोस ममालिक में फौजी तनसीबान से खतरा है यूक्रेनी फौज खार में रूसी फौजियों को पीछे धकेलते हुए सरहद तक पहुंच गई मारियोपोल के स्टील मिल्स में ज़ख्मी फौजियों के इनखला के लिए जंगबंदी पर इतफाक Laundry is no longer a hassle. Just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Canada में अपनी net worth बढ़ाने के लिए आपके पास एक अगर आप रियल स्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटेटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रैकर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर रब्ता कीजिए कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में आम इंतबात में चंद रोज बाकी हैं, जबकि मुख्तलिफ जमातों के रहनखबात से कबल आखिरी बार मुबासे में शिरकत की मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में आम इंतबात में चंद रोज बाकी हैं जबकि मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने इंतबात से कबल आखिरी बार मुबासे में शिरकत की ओंटेरियो की बड़ी सियासी पार्टियों के रहनमाओं ने पी को एक प्राइम टाइम बहस में सूबे के माजी और मुस्तबिल पर बहस की जिसमे सेहत की देखभाल तालीम, महंगाई और तब्दीलियों पर तंदो तेज जुमनों का तबादला पर, पर हमला किया और कहा की सूबे की नर्सें ज्यादा काम करने वाली कम तनख्वाह वाली और उनकी हुकूमत की बेजती करती हैं न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनमा एंड्रियावोत ने भी बिल एक सौ चौबीस पर फोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने कहा हमें सेहत की देखभाल करने वाले इन कार का मुनासिब बर्ताव करते हैं एन डी पीनर्स और सभी ने वादा किया है कि अगर वो बनाते हैं तो इस को मनसूख कर देंगे डाकफोर्ड ने सेहत की देखभाल के बारे में अपनी हुकूमत के वसी रिकॉर्ड का दफा करते हुए कहा कि जब उन्होंने 2018 में अहदा संभाला तो ये निज़ाम तबाह हाल था उन्होंने कहा इस सूबे के हर इलाके को एक नया अस्पताल मिल रहा है हर एक इलाके में पचास प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं डाक ने यह भी कहा कि प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव नर्सों की ट्यूशन फ़ीसों को फंड देंगे अगर वो किसी गैर महफूज इलाक़े में काम करते हैं और नोट किया कि उनकी हुकूमत ने ज़ाती इमदादी कारकुनों को तीन डॉलर फी घंटा का इजाफ़ा दिया है और नर्सों को पाँच हज़ार डॉलर बरकरार रखने की तनख्वाह का बोनस दे रही है जमातों ने चीन के साथ जमातों ने चीन के साथ कनेडा के तलुकत का मुताल करने वाली हाई प्रोफाइल खसूसी कमेटी को बहाल करने के हक में वोट दिया है लिबरल काबीना और काकस ने चीन के साथ के का करने वाली हाई कमेटी को वापस लाने की तहरीक की मुखालफत की जिसे कंजरवेटिव ने पेश किया था ताहम एन डी पी और क्यूबेकों ने इसकी हिमायत की जिसके बाद तहरीक मंजूर हो गई इस खसूस कमेटी को कैनेडा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तालुकात के तमाम पहलुओं का मतला करने का काम सौंपा जाएगा जो सिफारती कौंसिलर कानूनी सलामती और इकतदी तालुकात तक महदूद नहीं है ये बारह अरकान पर मुश्तमिल होगा छः लिबरल से चार कंजरवेटिव से एक ब्लॉक से और एक एन डी पी से और कैनेडा और चीन तालुक पर पेशरो खसूस कमेटी के दौरान सुनने वाले तमाम शवाहिद को अब हवाला किया जाएगा पहली तंजीमी मीटिंग दूसरी खसूसी कमेटी के एक हफ्ते के अंदर होगी जो फिलहाल अफगानिस्तान पर तालबान के कब्जे के बारे में कैनेडा के रद्दमल की तहकीकत कर रही है और अपनी हतमी रिपोर्ट को समेटेगी आखिरी कनेडा चीन खसूसी कमेटी दो हज़ार उन्नीस के आखिर में शुरू हुई थी और गुज्त इंतबात के वक्त से इसे तहलील कर दिया गया था कनाडा की वजी खारजा मिलानिया जूली ने कहा है कि कनाडा यूक्रेन की गंदम बरामद करने में मदद के लिए रोमानिया की बंदरगाहों पर बहरी जहाज़ भेजने के लिए तैयार है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कनाडा यूक्रेन की गंदम बरामद करने में मदद के लिए रोमानिया की बंदरगाहों पर बहरी जहाज भेजने के लिए तैयार है कनाडा के वजर खारजा मिलानिया चूली ने कहा है कि कनाडा रोमानिया और पड़ोसी ममालिक की बंदरगाहों पर माल बरदार बहरी जहाज भेजने के लिए तैयार है ताकि यूक्रेन को अफ्रीका और मशरक़ वस्ता तक गंदुम पहुँचाने में मदद मिले जर्मनी और बेल्जियम में जी और यूरोपीय यूनियन के हम मनसबों के साथ मुलाकातों के बाद बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा हम मसले का हल निकालने की पोजिशन में है और ये यकीनी बनाने में कैनेडा का ताउन हासिल है कि हम यूक्रेनी गंदम को आज़ाद करने के इस अजीम मिशन में हिस्सा लें उनके ये रिमार्क ऐसे वक्त में आए जब बैनवा तरक्की के वजीर हरजीत सजन ने खबरदार किया कि रूस जानबूझ कर यूक्राइनी गंदम की बरामदात पर पाबंदी लगा रहा है ताकि वो तरक्की पजीर ममालिक में भूख पैदा करने के लिए मगरबी ममालिकूठा इल्ज़ाम लगा सके जूली ने कहा कि कैनेडा की वजी ज़रात मैरी क्लाउट बेबो ने जी सेवन के वज्राय ज़रात के अजलास में शिरकत की है ताकि यूक्रेनी गंदम भेजने का मनसूबा तैयार किया जा सके कि वजी खारजा ने कहा कि कैनेडा दुनिया के सबसे बड़े गंदम बरामद कनंदगान में से एक के तौर पर बहुत ज्यादा महारत रखता है और मदद के लिए कदम बढ़ाना चाहता है जूली ने यह भी कहा कि कैनेडा फनलैंड और स्वीडन के नेटों में दाखिले की तेजी से तोसिक़ करने का इरादा रखता है जो हमारी बराह रास्त हुकूमत कर सकती है इसके बावजूद वजीर ने कहा कि उसने कंजर्वेटिव ब्लॉक क्यूबे और एन डी बी के साथ बातचीत की है जिसने हिमायत का इशारा दिया है तुर्क सदर रजब तैयब उदीवान ने फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत को कबूल करने से इनकार कर दिया इस हवाले से मजीद जानते हैं तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने फनलैंड और स्वीडन की नेटों में शमूलियत को कबूल करने से इनकार कर दिया बैन अवी मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी गुफ्तू में कहा कि दोनों ममालिक दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने में नाकाम है लिहाजा फनलैंड और स्वीडन की नेटों में शमूलियत कबूल है तयब उर्दगान ने कहा कि तुर्की स्वीडन और फनलैंड की नेटों में शमूलियत की मंजूरी नहीं देगा उन्होंने मज़दीद कहा कि तुर्की को मनाने के लिए स्वीडन और फनलैंड के वफूद अनकर आने की जहमत भी ना करें सदर का मजीद कहना था की दोनों ममालिक ने अपने ऐवान बाला तक में दहशत गर्दों को जगह दी हुई है स्वीडन और फनलैंड ऐसे लोगों को पनह देते हैं जो इन तंजीमों से मुंसलिक हैं जिन्हें तुर्की दहशत गर्द करार देता है जिसमें किर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और फतः गोलन के पैरोक जो तुर्की में 2016 की बगावत में मुलविस थे सदर व्यूटन ने कहा कि अगर स्वीडन और फनलैंड नेटो में शामिल होते हैं तो रूस को कोई खतरा नहीं है तहमो की फौजी तनसीबा इन ममालिक नहीं होनी चाहिए मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्यूटन ने खबरदार किया कि अमरीकी क्यादत में अगर नेटो ने फन या स्वीडन में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की कोशिश की तो रूस भरपूर जवाब देगा प्यूटन जिन्होंने हालिया महीनों में मगरब को जौहरी हमलों की धमकी से झंझोड़ कर रख दिया है फनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत के फैसलों पर गैर मामूली तौर पर इतमान का मुजाहरा किया है वाजर है कि नेटो के, के फ़ैसले ने रुकन ममालिक के दरमियान बातचीत और मशावरत के बाद इतफाक राय की बुनियाद पर किए जाते हैं तीस रुकनी ममालिक के इतफाक पर मबनी फैसला मुश्तरक रजामंदी ऐसी तय पाने वाले एक माहे की मानंद होता है यूक्रेन के शहर मारियोपोल के स्टील मिल्स में महसूर जख्मी फौजियों के इनखला के लिए आर्जी जंगबंदी पर इतफाक जानते हैं इस रिपोर्ट में यूक्रेनी फौज ने रूसी फौज के जेर तसल शहर खार्कि में फतह हासिल करते हुए रूसी फौज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया दूसरी जानब यूक्रेन के शहर मारियोपोल के स्टील मिल्स में मैशूर जख्मी फौजियों के इनखला के लिए आर्जी जंग पर इतफाक राय हो गया रूसी वजारत दिफा से जारी बयान के मुताबिक जख्मी यूक्रेनी फ़ौजियों को मकामी अस्पताल पहुंचाने के लिए महफूज रास्ता दिया जाएगा ईजोस्तान स्टील वर्क्स में मौजूद यूक्रेनी एहलकार कई हफ्तों से रूसी फौज का मुकाबला कर रहे हैं और हथियार डालने से इंकारी है अदारे के मुताबिक यूक्रेनी फौज ने खारकीफ में रूसी फौज का कब्जा वागुजार करा लिया है और रूस की सरहद तक पहुंच गए हैं यूक्रेन के वजारत दिफा की जानब से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि यूक्रैनी फौजी पीले और नीले रंग से बनाई गई सरहदी हदूद की निशानदही केीब जमा है जिसके बाद रूस की हदूद शुरू हो जाती है उधर सदर वलादिमिर जलन्सकी ने इल्ज़ाम आए किया है कि रूसी फ़ौज ने अपने हिमात अलहदगी पसंदों के ज़ेर तसल यूक्रेन के शहर लोहानसिक में फायरिंग करके दो शहरीों को कत्ल कर दिया है दूसरी जानब यूक्रेन की फौज ने दो नेस्क में रूसी फौजियों और उनके हिमायती अलहदगी पसंदों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है वाजह रहे है कि रूस ने आलमी दबाव को खातिर में न लाते हुए छब्बीस फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया था और रूसी फौजें यूक्रेन में दाखिल होकर कीव और दूसरे बड़े कब्जे का दावा किया था टीवी के स्टूडियो से फल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी